था कि जलियांवाला बाग में गोरखाओं ने गोली चलाई थी करके, तो उसके जवाब में हमारे पास भी फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे दुर्गा मल्ला। तो ये हमारी कमी है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं पहचानते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग एंड न्यू स्टेट पंजाब के सेकंड वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल, उसके बाद जाएंगे हम जलियांवाला बाग, फिर बाघा बॉर्डर भी सोचा है, और टाइम हुआ तो बाघा बॉर्डर की तरफ भी निकलेंगे। तो पहले जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, उसके बाद जलियांवाला बाग, पहले ये कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो पहले अब तक स्टे ट्यून। सो गाइस, यहाँ पर दुर्गानी मंदिर के सामने यहाँ पर उनकी कमेटी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लंगर चलते हैं। तो यहीं से लंगर खा के मैं अभी गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग की तरफ निकलूँगा। तो पहले लंगर खा लूँ, फिर उसके बाद निकालता हूँ। तो तब तक स्टे ट्यून। सो गाइस, यहाँ पर लंगर सेवा चल रही है। तो यहाँ पर इनका किचन भी है, तो यहाँ पर पूरा अभी लंगर हो रहा है। सो यहाँ पर मैं लंगर खाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे अमृतसर। मैं यहाँ पर भैया लोग सेवा कर रहे हो सभी की, थैंक यू वेरी मच, आप लोग सभी की सेवा कर रहे हो, हम जैसे जो बाहर से आए हैं। तो यहाँ पर भैया हमें डालेंगे अभी। तो यहाँ पर तो जी थोड़ा सा जी थोड़ा सा, तो यहाँ पर अभी मैं लंगर खाऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी पंजाब में, यहाँ पर अमृतसर में कोई भी भूखा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दाल लिया, तो यहाँ पर बैठूँगा फिलहाल। तो यहाँ पर बैठता हूँ कहीं, तो थोड़ा सा चावल लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, मैंने यहाँ खा लूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ पंजाब की ओर। सो ये चने की सब्जी है, थोड़ा सा चावल लिया और रोटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो खाना है वो एकदम सात्विक बनता है, बहुत टेस्टी है लंगरों में भी। सिंपल सादा और टेस्टी एकदम। उस पहले मैं खा लूँ, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ गोल्डन टेम्पल। तो तब तक स्टे ट्यून। सो दोस्तों, मैंने लंगर कर लिया है, तो अब यहाँ से मैं सीधे गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग की तरफ निकलूँगा। तो काफ़ी अच्छा खाना था, गर्मी भी बहुत है। तो चलिए, मैं निकलता हूँ सीधे गोल्डन टेम्पल की ओर, तब तक स्टे ट्यून। फिलहाल दोस्तों, मैं गोल्डन टेम्पल के लिए निकल चुका हूँ, मैं पैदल ही निकला हूँ वहाँ से। लोग कह रहे थे कि मतलब थोड़ा पास ही में है, तो आप पैदल ही चले जाओ, और ऑटो वाले आपको लूट लेंगे करके ना। तो ज़्यादा दूर नहीं है गोल्डन टेम्पल, तो यहाँ से थोड़ा सा ही है, तो मैं पैदल ही जाऊँगा, थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा जगह। तो गली है, तो इस गली से जाना है। तो चले, पहले वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पर माथा टेक के मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो तब तक स्टे ट्यून। तो फिलहाल अभी मैं गोल्डन टेम्पल के सामने पहुंच गया हूँ, और उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जाने के बाग, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा बाघा बॉर्डर, जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का गेट खुलता है, शाम को परेड होती है, फंक्शन होता है। तो वहाँ पर भी मैं विजिट करूँगा, पहले मैं बाबा जी के यहाँ माथा टेक के आता हूँ। सो तो आप ये सामने देख सकते हो गोल्डन टेम्पल का जो ऊपर का है वो दिखाई दे रहा है, सामने जो गुरुद्वारा है। तो ये सामने गुरुद्वारा है, ये गोल्डन टेम्पल है,
मैं अभी अंदर जाऊंगा। जो ये है ये गोल्डन टेम्पल का फ्रंट व्यू है। तो ये अब मेरे पीछे देख रहे हो, ये गोल्डन टेम्पल का फ्रंट व्यू है। मैं अंदर जाऊंगा माथा टेकने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर अंदर गुरुद्वारे के सामने हूँ गुरुद्वारा के लिए। यहाँ पर जूता रख, फिर अंदर जाता हूँ। तो मैंने जूता तो रख लिया है और टोकन मिल गया है, और ये टोकन गुम हो गया तो मुझे मेरा जूता वापस नहीं मिलेगा। तो मैं अंदर गुरुद्वारा जाऊँगा माथा टेकने के लिए। तो ये एंट्री है, तो यहाँ से मैं अंदर के लिए एंट्री जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर पहुँच चुका हूँ। तो आप देख सकते हो अंदर गोल्डन टेम्पल है। अभी मैं अंदर जाऊँगा। अंदर फोन कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से दिखाऊँगा आपको। तो ये आप देख सकते हो पूरा व्यू गोल्डन टेम्पल का। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी गुरुद्वारा से बाहर आ चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ जलियांवाला बाग। चलिए वहीं जाके सीधे आपसे बात करते हैं, मिलते हैं मतलब। फिलहाल मैं जलियांवाला बाग के अंदर पहुंच चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो जो शहीद हुए थे उनकी स्मृतियां बना रखी हैं। तो 1909 में जो मीटिंग हो रही थी वो यहीं पर हो रही थी, आप देख सकते हो। तो यहीं पर मीटिंग हो रही थी, मीटिंग वगैरह यहीं चल रहा है। तो चेयर वगैरह भी यहीं पर सजा रखा है, जैसे जैसे उस टाइम पे लोग बैठे थे। तो यहीं पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ से स्पीच चल रही थी, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा पार्क है, मतलब काफ़ी अच्छा बाग बनाया हुआ है यहाँ पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मतलब कितना अच्छा आज भी ये मेंटेन करके रख रखा है। और ये स्तंभ देख सकते हो, ये स्तंभ भी बहुत पुराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है जो ये बाग है। तो यहाँ पर लिख रखा है प्लीज़ यहाँ अंदर जाने से पहले हमें जो हमारे जूते हैं वो उतारना पड़ेगा। तो हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से। तो ये वही जगह है जहाँ पर हम गोरखे जितने भी लोग हैं उनको कलंक लगा। तो बदकिस्मती थी हमारी, उस टाइम पे गोरखा रेजिमेंट यहाँ पर थी और उनको ऑर्डर मिला गोली चलाने को। तो उनको वो ऑर्डर निभाना पड़ा क्योंकि वो उस टाइम ब्रिटिश काल के अंदर में थे। तो जो ऊपर से ऑर्डर आएगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर तो एक बैटालियन को निभाना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर जो चीज़ हुई थी गोलियाँ चली। तो यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई उस टाइम, बहुत सारे लोगों को गोली मार दिया गया। जब जब हम गोरखाओं का मांग का या डिमांड या हम आज कोई आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहला सवाल यहीं का उठाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि लेकिन हाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे दुर्गा मल्ला, राम सिंह ठाकुरी, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी काफ़ी थे जो हमारे। तो हेलन लेप्चा, तो जब जब जलियांवाला बाग का कोई जब हम आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ के लिए कि इस तरीके से आप लोगों ने गोली मार की करके, तो वहाँ पर हमें भी ये बोलना चाहिए कि मतलब हम भी ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रीडम फाइटर थे जैसे मेजर दुर्गा मल्ला जो आज़ाद हिंद फौज में थे, हेलन लेप्चा जिनको फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने
सावित्री देवी करके नाम दिया था, और सूबेदार नीरज सिंह छेत्री वो पहले फ्रीडम फाइटर थे जिनको हैंग टू द डेथ मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने देश के लिए जान दिया था। तो जब जब यहाँ का बात चलता है तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी थे करके। तो चलिए मैं अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ, तो बस थोड़ा सा दिखाऊँगा आपको। तो इससे पहले मैंने आपको कुआं दिखाया, तो जो लोग भाग नहीं पाए तो उन लोगों ने उस कुएं में कूद कर जान दी थी। तो इस तरीके से उस टाइम 1909 में गोलियां चली, गोलियां चलने के बाद गोरखाओं को बदनाम कर दिया गया। जब जब हम लोगों ने कभी भी आवाज़ उठाई तो सबसे पहले इसी बाग का नाम लिया जाता है कि जलियांवाला बाग में गोरखाओं ने गोलियां चलाई थी करके। तो उसके जवाब में हमारे पास भी फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे दुर्गा मल्ला। तो ये हमारी कमी है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को नहीं पहचानते, तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज हमारे बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम तर्क से तर्क जब बातें करेंगे तभी चीज़ें होने वाला, उससे पहले कोई चीज़ें नहीं होने वाला। तो चलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि शाम भी हो चुकी है और थोड़ा सा बाहर जाऊँगा। अभी सोचा था बाघा बॉर्डर जाने के लिए, तो टाइम निकल चुका है बाघा बॉर्डर के लिए, तो कल जाऊँगा बाघा बॉर्डर। तो नेक्स्ट वीडियो में बाघा बॉर्डर का जो भी वीडियो है, जो भी ब्लॉग है, वो आप तक रखूँगा। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों जो ये आप सामने देख रहे हो ये जलियांवाला बाग के अंदर है और पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे मना कर दिया था वीडियो करने के लिए, तो मैं अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाया आपको। और जो ये दीवार देख रहे हो सामने, उस टाइम जो अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी तो वो गोलियां इस दीवार पे आप देख सकते हो, छोटे छोटे जो छेद हो रखे हैं ये अभी भी ऐसी रखी हुई है कि मतलब ये लोगों को दिखाने के लिए कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हैवानियत दिखाई थी करके। तो गाइस आज का सफर यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो जो मैंने जलियांवाला बाग कवर किया, और जो गोल्डन टेम्पल में भी वीडियो करने के लिए मना कर दिया था, और अंदर जलियांवाला बाग में भी ज़्यादातर नहीं कर पाया मैं। तो मैं वीडियो कर रहा था तभी एक गार्ड आते हैं तो टी शर्ट में पूरा पढ़ते हैं और उसी बोलते कि मतलब आप वीडियो मत करो करके। तो मैं वहाँ पर मतलब उनकी बात मानी और वीडियो नहीं किया मैंने। तो जितना भी वीडियो किया मैंने आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बाकी कल मैं जाऊँगा, आज तो टाइम नहीं हो पाया, कल मैं जाऊँगा बाघा बॉर्डर में। तो वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का रोज शाम को परेड होता है, तो वो मैं दिखाऊँगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज सपोर्ट टू माई आत्मशांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड। एंड मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।